आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। छब्बीस जून 2018 को लखनऊ में कांग्रेस के युवा इकाई द्वारा भाजपा भारत बचाओ कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के संबंध में उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने के लिए जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी को अपनी चार सूत्र मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की युवा इकाई द्वारा एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था तो उनको वार्ता करने का अवसर प्रदान न कर सीधे लाठीचार्ज क्यों करनी पड़ी, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। वहीं भारत बचाओ कार्यक्रम में युवा नेताओं पर लाठीचार्ज हेतु आदेशित करने वाले पुलिस अधिकारी एवं संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश प्रदेश सरकार को देने का कष्ट करें, क्योंकि जिस तरीके से नेता विधानमंडल दल अजय कुमार लल्लू को घसीट कर पीटा गया तथा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, पुलिस के पास शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर उसे कार्रवाई कार्यकर्ताओं से निपटने का यही अंतिम विकल्प बचा था। यही प्रदेश में जिस प्रकार विगत 6 महीने से सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले संगठनों पर बिना किसी बातचीत के सीधे लाठीचार्ज किया जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमा गई है, जो कि कदापि स्वीकार नहीं है। अतः प्रकरण की न्यायिक जांच के साथ संबंधित पुलिस एवं प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हेतु प्रदेश सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। इस कार्यक्रम में नरेंद्र सैनी, श्याम बाबू वाल्मीकि, मोहम्मद अब्बास, शकील हाशमी, कमर सलीम, एपी सिंह, बबलू, महबूब अली, अरविंद चौधरी, शाहिद चौधरी, कनीज फातिमा, समझ शमसी, अनुभव मल्होत्रा महानगर अध्यक्ष एवं एपी सिंह जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। राज्य के संबंध में ज्ञापन दिया गया है आज मुरादाबाद की जिला एवं महानगर इकाई द्वारा लखनऊ में कल जो स्थानीय पुलिस द्वारा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उत्तर प्रदेश विधानमंडल के नेता अजय कुमार लल्लू पर पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, जिसमें जो है उनके गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें 4-5 लोग जो है आईसीयू में भर्ती हैं, गंभीर उनकी हालत बहुत गंभीर है। इस प्रकरण को लेकर के सारे कार्यकर्ताओं और पूरे प्रदेश के बहुत आक्रोश है और माननीय राज बब्बर साहब के निर्देश पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ये संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है, और जिसमें हम मांग करते हैं कि जिन अधिकारियों ने जिसके कहने पर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर के ये लाठीचार्ज किया है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरीके की पुनरावृत्ति किसी अन्य मैटर पे ना हो पाए।